कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों को रसायन सब्जेक्ट से आईएमपी प्रश्न बता देता हूँ। हर एक अध्याय एक इकाई का निर्माण कर रहा है, तो 14 अध्याय आपके बुक में दिया हुआ है, तो इकाइयों की संख्या कितनी होगी? 14। तो पहला इकाई देख लेते हैं, या हम इसे कहेंगे पहला अध्याय। तो पहला अध्याय देखो, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें पहला जो प्रश्न है वो है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन परमाणु की कितनी संख्या होती है? इसे हम एवोगैड्रो संख्या से दर्शाते हैं। तो कितना होगा? 6.023 × 10³³ एवोगैड्रो संख्या होगा। शुद्ध जल की मोललता क्या होगी? तो उत्तर लिखना है 55.6 लिखना है। एनटीपी पर 0.1 मोल गैस का आयतन क्या होता है? तो आयतन को हम बोलते हैं लीटर भी बोलते हैं, ठीक है, मीटर क्यूब भी बोलते हैं, किलोमीटर क्यूब बोलते हैं, जिसमें 3 घात हो। तो सिंपल से अगर पानी की बात किया जाए तो पानी को लीटर से दर्शाते हैं। तो लीटर के हिसाब से देखा जाए तो 2.24 लीटर इसका उत्तर रहेगा। फिर चौथा प्रश्न देखो, चौथा प्रश्न में है 10^-12 गुणांक को किस पूर्व लग्न से प्रदर्शित किया जाता है? तो उत्तर आपको लेना है पिको लेना है। फिर पांचवा प्रश्न देखो, 0.0500 में कितने सार्थक अंक होते हैं? तो 3 सार्थक अंक होते हैं। छठवा है, 232.508 को वैज्ञानिक संकेतन में किस प्रकार लिखते हैं? तो किस प्रकार लिखते हैं? तो उत्तर आपको लिखना है 2.32508। पढ़ते भी ऐसे ही ना, 2 दशमलव के बाद जितने भी संख्या है उसको 3, 2, 5, 0, 8 ऐसे पढ़ते हैं, ना कि 32508 ऐसे नहीं, ठीक है, ना ही 32508 ऐसे नहीं पढ़ते, 3, 2, 5, 0, 8 पढ़ते हैं, गुणित 10^2। सातवां है, डिग्री फॉरेनहाइट तथा डिग्री सेल्सियस में क्या संबंध है? तो अंतर सिर्फ सूत्र का है, F=9/5 सेल्सियस +32, ये सूत्र है, सूत्र बस का अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है इसमें, ठीक है, इस तरह से सूत्र को यूज करते हैं। आठवां है, 1 मोल सोडियम क्लोराइड का भार क्या होगा? तो इसका भार कितना होगा? तो देखो, सोडियम और क्लोराइड दोनों का अलग अलग है, सोडियम का 23 और प्लस क्लोराइड का कितना है, मतलब क्लोरीन का कितना है, क्लोरीन का है 35.5। दोनों को जोड़ दोगे तो दोनों का भार हो जाएगा 58.5 ग्राम। ग्राम में द्रव्यमान की गणना करो। द्रव्यमान की गणना करना है, 1 परमाणु गंधक 1 अणु जल। 1 परमाणु गंधक जो है इसके बारे में लिख रहे हैं, तो 1 परमाणु गंधक कितने के बराबर होता है? बराबर होता है 32/6.023 × 10³³ के बराबर होता है, ठीक है। ये मोल वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड वाले हम लोगों ने देखा ना, सबसे पहला प्रश्न कार्बन परमाणु की कितनी संख्या है, ये नीचे वाला वही है, कार्बन परमाणु की संख्या, ठीक है, बराबर जब हल होगा तो हल होने के बाद 5.31 × 10^-23 ग्राम होगा। इसके बाद एक अणु जल देखते हैं, एक अणु जल तो 18 से उसी को आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है, तो 2.99 × 10^-23 ग्राम होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, यहाँ पे अगला है, निम्न समीकरणों को संतुलित कीजिए। पोटेशियम और ये क्लोराइड है और ऑक्सीजन 3, इसे क्या बोलते हैं, नाम मैं भूल रहा हूँ, पोटेशियम क्लोराइड ऑक्सीलेट बोलते हैं क्या, ठीक है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, आप लोग देख लेने एक बार। जब क्रिया करेगा तो पोटेशियम क्लोरीन बनाएगा प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर हो जाएगा, ठीक है, ये अमोनिया है NH3 प्लस क्लोराइड, ठीक है, Cl2 जब क्रिया करेगा तो नाइट्रोजन मुक्त होगा और अमोनियम क्लोरीन बना लेगा, ठीक है, क्लोराइड होता है 2 अणु होने पर, 1 अणु होने पर क्लोरीन रहता है, ठीक है। तो इस तरह से अब इसे क्रिया कराओ, अभी तक ये क्रिया नहीं हुआ है, ठीक है, क्रिया कराओगे तो क्रिया में एक चीज मैं बताता हूँ, इसे संतुलित करना है ना, संतुलित करने के लिए कहा है, मैं ध्यान नहीं दे रहा था। देखो, संतुलित करना बहुत आसान होता है, मैंने किसी वीडियो में आप लोगों को बताया था, जब शायद आप लोगों का पता नहीं है, 12वीं जब बोर्ड पेपर चल रहा था तब मैंने इसे सिखाया था, इसे किया कैसे जाता है। देखो, हमें क्या करना है, दोनों को मैच करना है। यहाँ पे देखो कितने अणु है, 1, यहाँ पे भी 1, ये कितने अणु है, 1, ये भी 1, ये तो सही है, ठीक है, 1 1, लेकिन यहाँ पे देखो 3 है और यहाँ पे 2 है, तो 3 और 2 नहीं हो सकता, दोनों को बराबर करना है, ठीक है, इधर को इधर को, तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं 2 लगा देता हूँ तो बराबर हो जाएगा, कैसे,
देखो यहाँ पे दो लगा दूंगा तो ये भी दो हो जाएगा, ये भी दो हो जाएगा, स्वाभाविक है दो दो हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन छह हो रहा है तो यहाँ पे तीन लगा दूंगा तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, छह हो जाएगा। तो दो जगह चेंज होगा, एक यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे। अब आप गिन के देखो दोनों को, दो पोटेशियम के अणु, यहाँ भी दो पोटेशियम के अणु, ये दो जो है ना सबके साथ गुणा हो रहा है बता रहा है, ठीक है, ये दो सबके साथ गुणा हो रहा है और दो और तीन छह अणु हो गया इसका। तो यहाँ पे तो सिर्फ कितना था, दो था, तो तीन लगा देंगे तो ये भी छह अणु बन जाएगा। इस तरह से संतुलित करते हैं, ठीक है। ये समझ में नहीं आया होगा तो इसको देखो, अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अमोनिया दिया है यहाँ पे, और ये वाला देखो, और यहाँ पे कितना है, क्लोराइड दिया है, दो अणु है ना, लेकिन यहाँ पे अमोनिया का चार अणु दिया है, ठीक है, लेकिन इसमें एक दिया है क्लोरीन का। तो क्या करूंगा यहाँ पे, क्या करूंगा भाई, और देखो यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे क्या दिया है, नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन के तीन अणु होगा। अब इसे अलग अलग ही कर लो, पूरा डिफाइन करोगे तो अलग अलग कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, ये Cl क्लोरीन है, ठीक है, अलग अलग करते हैं। तो क्लोरीन के ये रहा दो अणु, नाइट्रोजन के एक अणु और हाइड्रोजन के तीन अणु। तो हाइड्रोजन का भी यहाँ पे चार अणु दिया है और यहाँ पे एक दो तीन अणु, इसे भी तीन होना है। तो तीन होने के लिए क्या करेंगे, पूरा सोच समझ के हम जब भी बनाएंगे सोच समझ के। तो यहाँ पे आठ अगर मैं लगा देता हूँ, आठ अमोनिया हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे तीन। अब देखो यहाँ पे कितना करेंगे, यहाँ पे जैसा है वैसा रहने देंगे, यहाँ पे छह लगा दो। अब जोड़ो तो ये आठ अमोनियम हो गए, आठ या 24, ठीक है, 24 कौन, हाइड्रोजन 24 होगा, तो 6 चौक 24 हाइड्रोजन हो गया। अब नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन आठ है तो नाइट्रोजन आठ होना चाहिए, दो यहाँ पे और छह यहाँ पे, 6 2 8 हो गया। अब देखो क्लोरीन को कितना होना चाहिए, छह, तो तीन यहाँ पे दो यहाँ पे, तो ये छह। तो इस तरह से इसे बराबर करते हैं, ठीक है। आगे जब एग्जाम होगा तो मैं और अच्छे से बता दूंगा, इसे बहुत आसान होता है ये, ठीक है। आगे देखते हैं मोल क्या है, मोल क्या है, तो मोल के बारे में हमने पढ़ा था ना, वही है 6.023 × 10³³ कणों। अब कण का मतलब अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, आयनन भी हो सकता है, जिसमें प्लस माइनस होता है ना, के समूह को मोल कहा जाता है। यह संख्या एवोगैड्रो संख्या कहलाती है। इसका मान कार्बन 12 के 0.012 kg में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के तुल्य होता है। 12वां प्रश्न देखो, एथेन के तीन मोलों में कार्बन तथा हाइड्रोजन के मोलों की संख्या की गणना कीजिए। तो पहला देखो मोल, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम एथेन कहते हैं, C2H6 को, में कार्बन के मोल बराबर दो। तीसरा है, यहाँ पे तीन है मोल दिया हुआ है, ये एथेन है, ठीक है, एथेन में कार्बन के मोल 2 × 6। देखो कार्बन के मोल कितने हैं, यहाँ पे तीन आगे में लगे हैं, तीन और दो कितना होगा, छह, तो 6 मोल होगा। इसी तरह से एक मोल कार्बन के यहाँ पे कितने होंगे, देखो यहाँ पे दो, ये एथेन है, ठीक है, और हाइड्रोजन के मोल कितने हैं, छह, तो 6 मोल हाइड्रोजन के हैं और तीन मो दो मोल किसके हैं, एक सेकेंड कहाँ पे है, हाँ ये वाला है, ठीक है, यहाँ पे देखो 6 मोल और 3 मोल, और एथेन में हाइड्रोजन के मोल 6 × 3 = 18 मोल होंगे। तो ये तीनों, ये जो दोनों है ना अलग अलग है, ये इस प्रश्न का सॉल्यूशन है और ये इस वाले प्रश्न का सॉल्यूशन है, ठीक है। 3 मोल है तो हाइड्रोजन के साथ इसमें कर दिया है गुणा, ठीक है, और इसमें कार्बन के साथ गुणा किया है। अंतर आपको ध्यान देना है, ठीक है, अंतर क्या है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो देखो एकदम सिंपल मैं डिफाइन करता हूँ। पहले वाले में यहाँ पे कार्बन के मोल निकाला है तो 3 × 2 कितना हो गया, 6। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के मोल निकालेगा तो हाइड्रोजन 3 और 6 कितना हो गया, 6 × 3 = 18, ये 18 मोल आ गया। समझ में आ गया, शॉर्टकट तरीका ही है। देखो 13वां प्रश्न देखते हैं, परमाणु द्रव्यमान इकाई, ठीक है, इसे AMU इस तरह से शॉर्टकट में नाम बोला जाता है, ठीक है, कई बार प्रश्न में ये नाम ना दिए करना, AMU बस दिया रहता है, तो याद रखना है आपको, ठीक है, AMU का मतलब होता है परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है। तो क्या है भाई, तो कार्बन जो 12 है, कार्बन 12 को हम लिखते हैं 1/12 बराबर, अगर इस तरह से लिखेंगे तो 1.66 × 10⁻²⁷ kg इस तरह से लिखते हैं। फिर 14वां प्रश्न देखो, एवोगैड्रो की नियम क्या है, उत्तर क्या लिखोगे, समान ताप और समान दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। इस नियम के अनुसार NTP पर प्रत्येक गैस के 1 ग्राम मोल में
अणुओं की संख्या 6.023 × 10³³ होती है। इस संख्या को एवोगैड्रो संख्या कहते हैं तथा इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद 15वां प्रश्न देखो, बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र होता है, क्या होता है? CH, ठीक है। CH जो है ये बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र है। 16वां प्रश्न देखो, मोलर आयतन किसे कहते हैं? निश्चित ताप और दाब पर किसी गैस के एक मोल के आयतन को मोलर आयतन या ग्राम अणु आयतन कहते हैं। एनटीपी पर गैस के मोल आयतन का मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है, ठीक है। सीमांत अभिकर्मक क्या है? सीमांत अभिकर्मक क्या है? तो इसका उत्तर आपको क्या लिखना है? संतुलित समीकरण में जो अभिकारक कम मात्रा में उपस्थित रहता है वह पहले समाप्त हो जाता है। ऐसे अभिकारक को सीमांत अभिकर्मक कहते हैं क्योंकि वह उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है। 18वां प्रश्न, सार्थक अंक किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। किसी मापन के परिणाम को शुद्धतापूर्वक व्यक्त करने के लिए आवश्यक अर्थपूर्ण अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। उदाहरण के लिए किसी मापक पैमाने द्वारा 11.64 पाठ्यांक लिया गया तो इसमें कुल 4 सार्थक अंक है। निम्नलिखित को 3 सार्थक अंकों तक निराकित कीजिए कह रहा है, ठीक है। तो देखो 1 2 3 हो गया। यहाँ भी आपको अगर करना है तो यहाँ पे क्या करोगे? देखो इसे लिख कैसे सकते हैं, मतलब सार्थक अंक जब भी बनाओगे तो यहाँ पे 34 है, 34 के बाद ये जो 216 है यहाँ पे दूसरा वाला नंबर डिसाइड करेगा कि इसे 3 लिखूं या फिर 2 का 2 रहने दूं, ठीक है। ये 50 तक के गए ना, 49 तक के, तो 4 9 पीछे में अगर 4 और 9 तक के जाता है ये संख्या। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ सार्थक अंक बनाते कैसे। देखो कोई भी अंक ले लो, 0.08 ले लेते हैं, ठीक है, 0.08। तो इसका सार्थक अंक बनाऊंगा तो 0.8 को मैं 9 लिख सकता हूँ इस तरह से। ये है इसका सार्थक अंक। क्यों सार्थक हुआ? क्योंकि ये 5 से ज्यादा हो रहा है। किससे ज्यादा है? 5 से अधिक। तो 5 से अधिक होने पर ये वाला संख्या क्या हो जाता है? एक बढ़ जाता है। एक सेकंड, यहाँ पे मैं गलत किया हूँ सार्थक अंक, एक सेकंड। 0.0 कितना है? 8 है ना, ये ऐसा है। तो इसका सार्थक होगा, ये 0 से 1 बन जाएगा, ये होगा 0.1, ये सार्थक अंक है, ये सही है, ठीक है। ये 5 से अधिक होने पर क्या होता है? 6 होने पर 1 यहाँ पे आ जाएगा और ये पीछे से जितने भी अंक है वो सब हट जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे 34, 216 का सार्थक अंक होगा। तो देखो ये जो दूसरा वाला संख्या है वो क्या है? दूसरा वाला संख्या 1 है। ये 5 या 6 कम से कम या 5 होना चाहिए इसे, बिल्कुल 5 होता तब मैं इसे कैसे लिखता? 34.3 लिखता, ठीक है। लेकिन 5 नहीं है, 5 से कम है, 1 है। इसका मतलब ये होगा कि 34.2 ही रहेगा। समझ में आ गया इसका उत्तर? अब यहाँ पे देखो इसका सार्थक अंक कैसे बनेगा, तो ये है 0.0459 और कितना दिया है? 7 दिया हुआ है। इसका सार्थक अंक कैसे बनेगा? तो देखो ये 4 जो है ना, 0.0 इस तरह से भी आप लिख सकते हो ना, इसके बाद 4। अब देखो 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 6 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये 0.046, ये इसका सार्थक अंक है, ये इसका आंसर है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, 1 0 को और हटा के यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। तो गलती नहीं है, ये भी सही है और ये भी सही है, 4 6 0 ये भी सही है और 4 6 0 इस तरह से भी लिखोगे तो भी ये सही है, ठीक है, दोनों सही है, ये दोनों सार्थक अंक है। इसके बाद देखो 20वां प्रश्न, 20वां प्रश्न में क्या दिया है? प्रतिशत संघटन क्या है? तो उत्तर क्या लिखना है? भार के अनुसार यौगिक में उसके 100 भागों में उपस्थित किसी तत्व के भागों की संख्या को उसका प्रतिशत संघटन कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं, जब भी हम प्रतिशत निकालते हैं तो 100 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद ही हम किसी भी मान का प्रतिशत निकाल पाते हैं। आगे आणविक सूत्र किसे कहते हैं? आणविक सूत्र की परिभाषा क्या है? वह सूत्र जो किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को
व्यक्त करता है आणविक सूत्र कहलाता है। आणविक सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र, एन बराबर अणु भार अपान मूलानुपाती सूत्र भार, ये होगा इसका आंसर। 22वां रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं तो उत्तर लिखोगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों व संकेतों द्वारा प्रकट करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण, जिंक तनु HCl अम्ल से क्रिया करके जिंक क्लोराइड व हाइड्रोजन गैस बनाती है बनाता है। तो देखो जिंक और ये इस तरह से क्रिया करके ये बना रहा है ना। मोलालता किसे कहते हैं? एक किलोग्राम एक केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलालता कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो, मूलालता की परिभाषा समझ में आ गया होगा। इसके बाद मूलानुपाती सूत्र क्या है? देखो मूलानुपाती सूत्र क्या है, वह सूत्र जो किसी यौगिक के अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं के सरल अनुपात को व्यक्त करता है, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। उदाहरण, जैसे कि ग्लूकोज है, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तीनों के अणु हैं, कितने अनुपात में? एक दो एक, देखो 6 × 12 और फिर 6, तो 1:2:1 के अनुपात में है, इसे हम मूलानुपाती सूत्र कहते हैं, CH2O होगा। ठीक है, आगे देखो, मोलल द्रव्यमान किसे कहते हैं? तो उत्तर आपको लिखना है, किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान उसका मोलल द्रव्यमान कहलाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का मोलल द्रव्यमान कितना है? 12+32। देखो ये 12+32 का मतलब क्या है, परमाणु क्रमांक कार्बन का 6 है और इसका जो भार है या द्रव्यमान कितना है? दुगना, तो 6 × 12, इसलिए 12 आ गया। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है, परमाणु क्रमांक 8, 8 × 16, तो 16 और 2 यहाँ पे लिखा है, तो कितना हो गया? 16 × 32, तो 12+32 कितना हो जाएगा? 44। इसके बाद देखो, परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं? उत्तर क्या लिखोगे, किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12, ये जो है ना 1/12 भाग से जितने गुना भारी होता है उसे उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 है। इसी तरह से 27वां प्रश्न देखो, 27वां प्रश्न में क्या कहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन का 10 आयतन डाई ऑक्सीजन गैस के 5 आयतन से अभिक्रिया करता है, तो जल का कितना आयतन उत्पन्न होगा? तो यहाँ पे देखो कितना आयतन उत्पन्न होगा, 2 हाइड्रोजन है और 2 यहाँ पे है, ठीक है, तो 2 2 है, तो 2 × 4 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने अणु है? 2 अणु, लेकिन अगर इसे संतुलित करते हैं तो सब समान होने चाहिए, तो देख लो 2H2O संतुलित हो गया, तो 2 आयतन 1 आयतन 2 आयतन, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 10 आयतन 5 आयतन और 10 आयतन, मतलब अनुपात में अगर लिखोगे 2 1 2, अतः जल का आयतन जो है वो 10 रहेगा। ठीक है, आगे देखो, अब 3 अंक के प्रश्न है आते हैं, 3 अंक के प्रश्नों में, तो 3 अंक के प्रश्न कैसे रहेंगे, स्थिर अनुपात का नियम लिखिए, स्थिर अनुपात का नियम, तो इसका उत्तर आप देख लो, ठीक है, बहुत बड़ा रहेगा तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, ठीक है, छोटा है तो चलो देख लेते हैं। स्थिर अनुपात के नियमानुसार रासायनिक यौगिक में उनके अवयव तत्वों का भारात्मक अनुपात सदैव स्थिर या निश्चित होता है, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से प्रारब्ध किया गया हो। इस नियम का प्रतिपादन सन 1779 में प्राउस्ट ने किया था। उदाहरण, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल के प्रत्येक नमूनों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान के अनुसार अनुपात हमेशा 2:16 या 1:8 होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला क्या है, मोलरता किसे कहते हैं? रासायनिक गणनाओं में इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? तो मोलरता के बारे में मैंने आपको बताया था क्या? नहीं बताया, तो चलो एक बार और देख लेते हैं। किसी पदार्थ के 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उसकी मोलरता कहते हैं। तो ये पूरा वही चीज बताया है, विलेय के मोलों की संख्या और विलयन का आयतन को क्या कहेंगे, मोलरता कहते हैं। परिभाषा यहाँ से भी बनता है, ठीक है, यहाँ बस से आपको देखना, अगर यहाँ देख रहे हो ना तो यही बस से परिभाषा नहीं बनेगा, परिभाषा रियल में ये होता है, इसे देखकर बनाया जाता है। तो देखो कैसे बनाया गया है, विलेय के मोलों की संख्या को भाग दे दोगे विलयन के आयतन से, तो जो प्राप्त होगा उसे हम कहेंगे 1 मोल कहेंगे, ठीक है, समझ में आ गया, आप इस तरह से भी बता सकते हो।
एक मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड का अर्थ है कि 1 लीटर में 1 मोल 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड उपस्थित है। तो विलयन की मोलरता कम करना है। अब कम कैसे करोगे, तो यहाँ पे ये पूरा प्रक्रिया बताया है, ठीक है। देखो मोलरता और ये आयतन, जब M1 होगा तो 0.2 और V1 होगा तो 1 लीटर मतलब 1000 ml, फिर M2 में 0.1 और यहाँ पे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, फिर 2 × 1000 को गुणा कर दोगे और 1.0 एम के और वी को गुणा कर दोगे तो वी 2 का ही मान निकालना है, तो इस तरह से निकालोगे 200 ml प्राप्त हो जाएगी, इस तरह से निकालोगे 200 ml प्राप्त होगा, ठीक है। आगे थोड़ा सा और दिया है, यहाँ पे देख लो, ठीक है आगे देखते हैं। इसके बाद देखो, किसी पदार्थ का अणु सूत्र उसके मूलानुपाती सूत्र से किस प्रकार संबंध होता है, संबंधित होता है। तो उत्तर क्या लिखोगे, उत्तर लिखोगे अणु सूत्र किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रकट करता है, यह मूलानुपाती सूत्र के समान या इसका सरल गुणक होता है। अणु सूत्र एन गुणित मूलानुपाती सूत्र, ठीक है ये होगा, और एन बराबर अणु भार अपान मूलानुपाती सूत्र भार। उदाहरण, एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2O है तथा अणु भार 180 है, तो एन बराबर 180 अपान 12 प्लस 2 प्लस 16, 180 अपान 30 बराबर 6। अतः अणु सूत्र बराबर एन गुणित मूलानुपाती 6 गुणित CH2O, और जब 6 का अंदर गुणा करोगे तो देखो C6H12O6, ये क्या है ग्लूकोज है ना, तो ग्लूकोज का सूत्र बन गया यहाँ पे। आगे देखते हैं, फिर मोलरता और मोललता में अंतर, दोनों में अंतर बताना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मोलरता और मोललता में अंतर। फिर आगे दिखाता हूँ मैं आपको पांचवा प्रश्न, मोल अंश जिसे हम प्रभाज कहते हैं किसे कहते हैं, इस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो देखो ज्ञात कैसे करोगे, किसी मिश्रण या विलयन में किसी घटक का मोल अंश उस घटक के मोल की संख्या तथा मिश्रण के कुल मोलों का अनुपात होता है। यदि विलेय ए विलायक बी में घुला है जिसके मोल क्रमशः एन ए तथा एन बी है, तो ए का मोल अंश एक्स ए, ठीक है, बराबर ए के मोलों की संख्या अपान विलयन के कुल मोलों की संख्या, अतः एक्स ए बराबर एन ए अपान एन ए प्लस एन बी, बी का मोल अंश एन बी अपान एन ए प्लस एन बी, ये होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, यहां तक हो गया। इसके बाद देखो छठवां प्रश्न, छठवां प्रश्न में क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, इस नियम की आधुनिक स्थिति स्पष्ट कीजिए, ठीक है स्पष्ट करना है। तो पहला यहाँ पे देखो, दो यहाँ पे बताया है ना, द्रव्यमान संरक्षण नियम है और एक है आधुनिक स्थिति दिया हुआ है, तो मैं इसे पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है, तो मैं आपको डायरेक्ट इसका उत्तर दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग देख लो, ठीक है पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा ये आधुनिक स्थिति है, ठीक है आधुनिक स्थिति ई बराबर एम सी स्क्वायर, जहाँ ई ऊर्जा से प्रदर्शित करते हैं, एम को द्रव्यमान और सी को प्रकाश के वेग से, समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं, इसके बाद देखो सातवां प्रश्न, व्युत्क्रम अनुपात या तुल्य अनुपात के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। उदाहरण सहित समझाना है तो इसके जो नियम है, ठीक है देखते हैं, अनुपात व्युत्पन्न अनुपात और तुल्य अनुपात, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका उत्तर यहाँ से यहाँ तक के है, ठीक है। अब उदाहरण बताना है तो उदाहरण भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा उदाहरण, ठीक है नीचे में उदाहरण दिया हुआ है, ये उदाहरण अभी भी पूर्ण तरह से कंप्लीट नहीं है, आधा है। आधा कहाँ पे मिलेगा, आधा एग्जाम्पल आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है यहाँ पे देख सकते हो आधा यहाँ पे है, ठीक है आगे देखते हैं। इसके बाद देखो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के मुख्य अवधारणाएं बताइए, तो मुख्य अवधारणाएं क्या क्या थी, तो पांच जो अवधारणा है इसको आपको याद करने हैं, पांचों अवधारणाओं को, तो दिखाता हूं मैं, ये रहा पांचों अवधारणा आपको दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट, ठीक है इन पांचों अवधारणाओं को याद करना है। फिर नौवा देखते हैं, देखो नौवा क्या है, गेलुसाक का गैस आयतन संबंधी नियम लिखिए, और अथवा में यहाँ पे ये वाला दिया है, ठीक है तो दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है, बस
नाम जो है अलग अलग है, ठीक है प्रश्न का, और आधा जो है उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, देख लो। अब आते हैं 10वां प्रश्न में। दसवां प्रश्न ये वाला, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 10वां प्रश्न, इसको देख लो। ठीक है, क्या पूछा है? अणु तथा परमाणु में अंतर। तो अणु तथा परमाणु में अंतर आप बता पाओगे? बिल्कुल, बहुत आसान उत्तर है इसका, आप इसे देख लो और याद कर लो। ठीक है, 11वां प्रश्न, ये 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न में क्या पूछा है? ए के 300 परमाणु और बी के 200 परमाणु, फिर दूसरा है 2.5 मोल ए और 5 मोल बी। इसका भी उत्तर आप लोग देख लो। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न में देखो, 12वां प्रश्न में है, रसायन शास्त्र का निम्न कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण महत्व लिखिए। तो रक्षा, स्वास्थ्य रक्षा है और औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, तो दोनों के बारे में लिखना है, तो यहाँ पे इसका भी उत्तर लगा हुआ है। अब निर्धारित जो है वो 5 अंक के प्रश्न है, तो 5 अंक के प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। ठीक है, ये जो 5 अंक का प्रश्न है इसे अब आपको नहीं पढ़ना है फिलहाल। मैं यहाँ पे इसका सिर्फ उत्तर दे रहा हूँ, लेकिन पढ़ना नहीं है, क्योंकि आपके जो पेपर होगा उसमें 1 नंबर और 3 नंबर के प्रश्न है। तो 1, 3 का मैं जितना भी प्रश्न बन सकता था पूरा मैंने दिखा दिया, ये 5 नंबर का है। तो 5 नंबर का अब प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएगा, तो आपको इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उत्तर बस मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका, 5वां प्रश्न, मतलब जो दीर्घोत्तरी प्रश्न उसका, तो ये आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अंकगणित इसमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, अंकगणित से प्रश्न नहीं आता है, तो उसको दिखाने की भी आवश्यकता नहीं है।